आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त को बिहार प्रदेश के चुनाव में मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा में प्रभारी के रूप में नेतृत्व द्वारा भेजा गया था। उन्होंने अपने अथक परिश्रम और नैतिक सूझबूझ के चलते बेनीपट्टी विधानसभा के प्रत्याशी श्री विनोद नारायण झा को भारी मतों से विजयी बनाने में अपेक्षित सहयोग किए। पिछली बार 2015 में विनोद नारायण झा को 4000 कुछ मतों से नुकसान हुआ था। वहीं पर 2020 के चुनाव में विनय प्रकाश के नेतृत्व प्रभार में 32000 से अधिक भारी मतों से विजय होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस विजय की खुशी में विनय प्रकाश को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में वापस आने पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। विनय प्रकाश गुप्त का अभिनंदन करने वालों में धर्मेंद्र सिंह, ब्रजेश दुबे, जाफरपुरी, सुनील मिश्र, मृगांक शेखर सिन्हा, डॉक्टर पूनम सिंह, जूही श्रीवास्तव, मिथिलेश चौरसिया, अवनीश चतुर्वेदी, धर्मवीर चौहान, नवनीत गुप्ता, मुंशी निषाद, विशाल श्रीवास्तव, मोनू विश्वकर्मा, यादव, संतोष चौहान, नीरज सिंह, अभिषेक गुप्ता, गोलू ऋषि निषाद, संजीवन राम गौतम, घनश्याम गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। Thank you.